बहुत ही अच्छी लगी थी मेरे को, बहुत ही बढ़िया दोनों पार्ट्स, खासकर मनोज वाली जो थी उसने बड़ा अच्छा काम किया था। और अनुराग की मुझे सारी फिल्में अच्छी लगती हैं, ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वासीपुर, ऐसी फिल्में कोई बनाता नहीं सिवाय अनुराग के, और कोई बनाता ही नहीं। ज़ीशान कादरी एक ऐसा आदमी जो मेरे को, अब बड़ी कमाल की बात है कि जब ये इसने मेरे को फिल्म सुनाई तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अनुराग कश्यप ये फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो कहते नहीं यार देखेंगे बाद में, अभी तो ऐसी कुछ बात नहीं हुई हमारी, हम फिल्म बनाते हैं पहले फिर देखते हैं। कहते यार ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना करे, ये तो, और वही हुआ, उन्होंने आके फिल्म देखी और वो प्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म को। तो बड़े कम डायरेक्टर हैं ऐसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो इस जॉन, मुझे गैंगस्टर मूवीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं। अब गैंगस्टर मूवीज़ बनाने के तो बहुत डायरेक्टर बनाते हैं, लेकिन इसमें एक रियलिटी नज़र आती है आपको, और वो मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में रह चुके हैं, तो मुझे ये जो गैंग मूवीज़ होती हैं, पुलिस गैंग मूवीज़ होती हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं शुरू से, तो इसमें ये बात है। मेरठ गैंगस्टर्स के बाद भाग जानी आएगी, विक्रम भट्ट की फिल्म है जिसमें अगेन मैं विलन की भूमिका में नज़र आऊँगा, और उसके बाद एक फिल्म है भैया जी सुपर हिट, वो सनी देओल के साथ है वो है, और फिर पंजाबी की एक फिल्म है शरीक, जिमी शेरगिल के साथ, और एक फिल्म है जोरावर, हनी सिंह के साथ। ये चार फिल्में भी बैक टू बैक रिलीज होंगी। जी वो ये जो आप पूछ रहे थे किस किस्म का रोल, वो एक्चुअली ये वाली फिल्म थी। मैं हमेशा चाहता था कि मैं ऐसा कोई रोल करूं किसी रियलिस्टिक फिल्म में, वो मौका मुझे यहाँ मिल गया। मैं यंग और नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनकी अपनी सोच है, जो क्योंकि मैं ज़्यादातर काम करता हूँ अपने पुराने लोगों के साथ, उनके साथ मेरी ऑलरेडी टीमिंग बनी पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि कोई यंग लोग आए, कोई नया को कुछ लेके आए, उसमें उस कैटेगरी में मैं फिट होना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने कोई, मुझे कोई जानता नहीं वहाँ पर, इसलिए शॉट्स बहुत अलग अलग थे। हमारी कई बार लड़ाई होती थी, मतलब मुझे याद है कि जैसे अब मैंने कुछ फिल्में की हैं तो उसमें देखा गया है कि आपका वाइड शॉट हुआ उसके बाद में आपका क्लोजअप लगता है, तो इसमें ये होता था कि हम लोग, मेरा एक शुरू का दूसरा दिन था शूटिंग का, लगा वाइड शॉट लगा, सीन कंप्लीट हुआ हम सब लोगों का, देन एकदम से आवाज़ आई, अब मेरे को ये कि अभी होगा दूसरा क्लोजअप लगेगा, तो एकदम से ज़ीशान की आवाज़ आई कि लोकेशन चेंज। मेरे लिए वो चीज़ क्या है, मतलब अभी तो क्लोजअप तो लगा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा ज़ीशान क्लोजअप का क्या, नहीं क्लोजअप नहीं है, क्लोजअप नहीं है, किसी का क्लोजअप नहीं है। मैंने कहा ये कैसे, मतलब वाइट के बाद तो क्लोजअप लगेगा ना, तो वो ज़ीशान का अलग प्रोसेस था कि नहीं क्लोजअप नहीं है मेरे लिए, मैं कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, एंड देन फिर उसके बाद में वो जाके हमको मॉनिटर पे दिखाया, वो सीन दिखाया, और जब सीन देखा तो वो अपने आप में मेरे लिए लगा कि हाँ यार यहाँ पर क्लोजअप की कुछ नहीं, ये तो कुछ और ही डिफरेंटली कुछ निकल के आ रहा है, और बहुत रियल स्पेस में निकल के आ रहा है। रियल सिनेमा, डार्क सिनेमा में पिंच ऑफ कॉमेडी नहीं कह सकते, मैं नहीं कहूँगा इसको, ह्यूमर है, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है जब कॉमेडी और ह्यूमर को आप बोलते हो, और वो डिफरेंस एक्चुअली बहुत वास्ट हो जाता है। तो ह्यूमर है क्योंकि अगर क्या होता है कि डेफिनेट गया और जाकर के शमशाद पे बंदूक खींची और गोली जब अटक गई, तो डेफिनेट क्या जो हालत हुआ आप लोगों ने बहुत मज़ा लिया कि अब डेफिनेट भागना शुरू, ये बड़ा गया था अपने आप को सलमान खान बनते हुए। अब लोग प्लान्स अभी है सच कुछ नहीं है, मगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों की कोशिश रहेगी, और मैं सर से इस बात भी कर रहा हूँ कि कुछ करते हैं साथ में, देखते हैं। सर का भी है, हाँ मैं अभी तो लोकार्नो गए हुए अपनी फिल्म के इसका लेकर के स्क्रीन का, तो वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम लोग साथ करेंगे ही। तो वो ऐसा चीज़ होना चाहिए ना कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, कि वो उनको भी उतनी पसंद थी, उतनी पैशनेट थी जितना मैं था, तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट अगर हाथ लग गया तो फिर दोनों भाई उतर जाएंगे। थैंक यू।